बस मैं हूं अमीश देवगन। क्या बिजली की सप्लाई भी धर्म देखकर तय होगी? ये बात बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि राजस्थान में एक सरकारी चिट्ठी सामने आई जिसमें कहा गया कि रमजान के दौरान मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बिजली की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि रमजान के साथ साथ नवरात्रि भी चल रही है, लेकिन नवरात्रि को लेकर इस चिट्ठी में एक भी शब्द नहीं लिखा गया। चिट्ठी पर बवाल हुआ, तूफान खड़ा हुआ, तो सरकार बैकफुट पर आ गई। आदेश को तुरंत वापस लिया गया और कहा गया कि किसी भी धर्म के त्योहार के दौरान बिजली नहीं कटेगी। आखिर सेक्युलरिज्म के नाम पर यह कौन सा पावर प्ले चल रहा है? लेकिन एक बड़ा मुद्दा और है कि राजस्थान के करौली में हिंसा का नंगा नाच होता है, तो सीएम अशोक गहलोत कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सांप्रदायिक हिंसा की निंदा करनी चाहिए। अशोक गहलोत ये भी कह रहे हैं कि एनडीए सरकार आने के बाद देश का माहौल खराब हो गया है, चुनाव के लिए देश में जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण का खेल खेला जा रहा है। सवाल है कि बिजली के नाम पर कौन सा ध्रुवीकरण हो रहा था, यह प्रश्न भी पूछा जाएगा। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सेक्युलरिज्म का सियासी खेला। राजस्थान सरकार की इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि रमजान में मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बिजली की कटौती ना की जाए। सवाल है कि क्या बिजली की सप्लाई भी धर्म के हिसाब से तय होगी? हालांकि फजीहत हुई तो नया आदेश जारी हो गया कि सभी धर्मों के त्योहार पर बिजली की कटौती नहीं होगी। INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामिक नेशनल कांग्रेस बनना चाहिए। परंतु क्या ऐसा ऑर्डर और आदेश हिंदुओं के लिए नवरात्रि में जो उसी समय पर पड़ रहा है क्या पारित किया गया है? ये भेदभावपूर्ण आदेश क्या ये सेकुलर माना जाएगा? लेकिन एक और बड़ा मुद्दा है, 2 अप्रैल यानी शनिवार को राजस्थान के करौली में हिंसा का नंगा नाच हुआ। भगवा झंडे को लेकर हिंदू नववर्ष की रैली जैसे ही राजस्थान के करौली के एक मोहल्ले में पहुंची, तो रैली में शामिल लोगों पर हमला हो गया। अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि पीएम मोदी इसकी जिम्मेदारी ले। ये आग लगाने के लिए आते हैं, पूरे देश में आग लगा रहे हैं, आए आग लग गई, जेपी नड्डा का ये गाना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। हिंदू मुस्लिम कर दिया देश के अंदर, इन्होंने ये घिनौना काम किया है। प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे। गहलोत साहब को अपने गरिबान में देखना चाहिए कि उन्होंने एक धर्म को किसी कार्यक्रम की अनुमति दे रहे हैं और दूसरे धर्म के लिए आप रोक लगा रहे हैं, 144 लगा रहे हैं। हैरानी की बात ये भी कि PFI ने दंगे से 2 दिन पहले ही इसकी आशंका जता दी। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी दांव चला जा रहा है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सेक्युलरिज्म का सियासी खेला। और अब आर पार में वक्त है विश्लेषण का, लेकिन विश्लेषण से पहले मैं आपको एक चिट्ठी दिखाना चाहता हूं जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम प्राइवेट लिमिटेड की है। उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, आप उस चिट्ठी में अगर पढ़ेंगे तो दिनांक 4/4/2022 से रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। ग्रीष्म ऋतु में रोजेदारों का परेशानी ना हो, इसको देखते हुए रमजान के महीने में संपूर्ण मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में कोई कटौती नहीं करी जाएगी और उसकी आपूर्ति को सुनिश्चित करें। यानी मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर बिजली तो आनी चाहिए, लेकिन नवरात्रि से कोई फर्क नहीं पड़ता। नवरात्रि के दौरान भी व्रत होते हैं, शाम को खाना खाया जाता है, माता की आरती के बाद माक पर जोत जलाने के बाद, लेकिन नवरात्रि से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, यह कांग्रेस की सरकार का फरमान आता है। सोचिए आप, और फिर कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आ रहे हैं, अब अमित शाह भी आएंगे। लेकिन विश्लेषण क्या है इस बात का, रमजान पर मुस्लिम इलाकों में फुल बिजली का आदेश आया, चिट्ठी में नवरात्रि को लेकर एक भी शब्द नहीं कहा गया। इस साल नवरात्र और रमजान का त्योहार एक साथ है, सरकार के लिए हर धर्म का त्योहार बराबर होना चाहिए। क्या धर्म देखकर बिजली की सप्लाई तय की जा रही है? क्योंकि क्लियर कट इस चिट्ठी के अंदर लिखा है, व्यूअर्स, आज मैं कुछ नहीं बोल रहा, यह चिट्ठी बोल रही है और यह चिट्ठी यह कह रही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र
संपूर्ण मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में कोई कटौती नहीं होगी। ये चिट्ठी आज सब कुछ बयां कर रही है। हालांकि तूफान ऐसा खड़ा हुआ, मीडिया रिपोर्ट आई, विपक्ष का रिएक्शन आया राजस्थान में, संसद सदन में नेता बोले, उसके बाद इस फैसले को पलट दिया गया। मेरे साथ बात करने के लिए मुकेश शर्मा, गौरव भाटिया जुड़े हैं, शिवम त्यागी इस चर्चा में मेरे साथ है और तौसीफ खान है। मुकेश जी, शुरुआत में आपसे करता हूं, 40 सेकंड में आपको देता हूं, मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में बिजली नहीं जानी चाहिए, ये तो आदेश पारित करते हैं, लेकिन नवरात्रि भी तो चल रही है, वो कैसे भूल गए आप लोग? अमित जी, ऐसा है, निश्चित तौर पर नवरात्रि और रमजान, होली, दिवाली, जो भी त्यौहार हैं, उस पर बिजली की आपूर्ति सही रखना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और ये एक सामान्य प्रक्रिया है। जहाँ तक सवाल आप जिस चिट्ठी का हवाला दे रहे हैं कि उस चिट्ठी में पर्टिकुलर ये कहा गया है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बिजली कटौती न की जाए, उस संबंध में मेरा एक कहना है कि मुझे और आपको शायद इतनी दूर बैठकर जानकारी ना हो कि आप बताओ उस क्षेत्र में इतनी बड़ी कटौती हो रही हो जिसके लिए पत्र जारी करना आवश्यक हो और इस पत्र का तिलका तहाड़ बना दिया गया हो। मैं एक बात बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण की राजनीति देश में कौन दल करता है सारा देश जानता है, और जो लोग रोजगार दे ना सके, जो लोग 12-12 दिन में पेट्रोल सीधा 8-8, 10-10 रुपए लीटर बढ़ा दें, जो CNG PNG के दाम बढ़ा दें, उन दलों के पास इन चीजों को ढकने के लिए सिवाय तुष्टिकरण के कोई रास्ता बचता नहीं। एक बात बताइए, ये सर्वविदित है। एक बात बताइए, ये राजस्थान की में सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की है या कांग्रेस की है? और ये जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ये क्यों कह रहा है ये बात? अरे जो ये चिट्ठी क्यों आई? अमित, ये चिट्ठी क्यों आई? आप कह रहे हैं कि आप तो इसको डिफेंड कर रहे हैं। अगर मुस्लिम बहुल्य इलाका होता, जो आप कह रहे हैं, जो आपकी और मेरी जानकारी में नहीं है, आप कह रहे हैं वो कंपनी की जानकारी में तो होगा। एक चिट्ठी और आई, उस चिट्ठी में इस आदेश को वापस कर लिया गया और कहा गया है जो पुराना पत्र था उसको हम वापस लेते हैं। यानी मंशा गलत थी, जब वो मंशा पकड़ी गई तो पलटी मारी। नहीं, मुकेश शर्मा, अरे यार अमित जी, अभी आपके ही जो चैनल के कर्मचारी मेरे पास आए हुए, उन्होंने बेचारों ने आते ही बैठते ही कहा, सर हमें छुटकारा कब मिलेगा, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है। मैं आपको बताऊं, देश में मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के नहीं, लिए तो ये बीजेपी चूंकि राजस्थान, अच्छा एक बात बताइए, करौली में हिंसा होती है तो नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, अगर यूपी में कुछ होता है तो योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है, हरियाणा में कुछ हो जाए तो खट्टर जिम्मेदार है, लेकिन करौली में कुछ हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। अशोक गहलोत जो मौजूदा सिटिंग सीएम है, वो बीजेपी पे निशाना साध रहे हैं, वो कह रहे हैं जेपी नड्डा इधर आए थे, देखिए किस तरह का कोहराम मच गया करौली के अंदर, वहां पर जलूस, हिंदुओं का जलूस निकल रहा था, वहां पर अखिलियतों ने पत्थर बरसाए, कहानी सिर्फ इतनी है। अब आपने 40 आपको मैंने 40 सेकंड नहीं, आपको मैंने 2.5 मिनट दिए हैं सर, लेकिन इस चिट्ठी को डिफेंड नहीं कर पा रहे आप, बोलने नहीं दे रहे आप। आप सुनिए जी, यति नरसिंहानंद ने दिल्ली में क्या किया, गलत बोला, उसका सवाल नहीं उठाएंगे। यति नरसिंहानंद का आज के विषय से क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक नहीं है? जो हेट स्पीच उसने दिल्ली में दी है, क्या ये यति नरसिंहानंद ने कहा था आपको छुट्टी जारी करने के लिए? क्यों नहीं है षड्यंत्र वो? मैं ना, यति नरसिंहानंद किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं क्या? उन्होंने बोला था आपको ये चिट्ठी जारी करो जहां मुस्लिम इलाकों के अंदर बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करी जाए। आप मुस्लिम इलाकों में भी करो, हिंदू इलाकों में भी करो, नहीं आप नवरात्रि के लिए भी चिट्ठी जारी करो, आप रमजान के लिए भी चिट्ठी जारी करो, कोई रोकता नहीं है आपको, लेकिन नवरात्रि को भूल गए, रमजान को याद रखा, यही तुष्टिकरण है जी। अरे भाई, जिसका खमियाजा देश 70 साल से भुगतता रहा है। अरे सुनिए ना मिशी, 70 वर्ष में आप चैनल पर जिस पर बैठे, नोएडा भी हमने बसाया होगा, 70 वर्ष में कांग्रेस की देने इस देश को। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में, करौली के अंदर जो लोगों ने जुलूस निकाला वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं। अगर जवाब है आपके पास, हिंदुओं ने वहां जुलूस निकाला वो गलत है, जवाब आपके पास नहीं, जुलूस नहीं निकालना चाहिए था, माहौल खराब करने का प्रयास होता है। तो मतलब जुलूसों में क्या संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग शामिल होते हैं क्या? निकलवाए जाते हैं, ये सारा देश जानता है। अरे अमित जी, सारा देश जानता है। करौली में क्यों निकला था वो जुलूस? सारा देश जानता है। करौली में क्यों निकला था? करौली में जुलूस क्यों निकला था? वो जुलूस क्यों निकला था करौली में? मैंने भेजा था क्या?
तो क्यों नहीं निकालेगा हिंदू जलूस? मैंने भेजा था, वो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो लोग। ये क्या कह रहे हैं आप? जलूस निकालने वाले संवैधानिक पदों पर हैं। तो मतलब मतलब अब हिंदुओं को जलूस निकालने की, ठीक है, गौरव भाटिया का मैं रिएक्शन सुनूंगा। ये बड़ा हुआ है इस कार्यक्रम में, ये बड़ी चीज हुई है व्यूअर्स। जो मुकेश शर्मा ने बोला है वो आपने सुना है, गौरव भाटिया वो आपने भी सुना। एक सेकंड मुकेश जी, अब आपने बोल दिया जो बोलना था। गौरव भाटिया, अब तो कहानी नए सिरे से शुरू होती है। यहां तो चिट्ठी की तो बात ही नहीं रह गई। करौली में जो हिंसा हुई है, जलूस निकालने के लिए किसने बोला था? गलती उनकी नहीं है जिन्होंने पत्थर बरसाए जी, गलती उनकी भी नहीं है जिन्होंने ऊपर से पत्थर मारे, गलती तो उनकी है जिन्होंने जलूस निकाला। वो जलूस निकालना गलत था, हिंदुओं को जलूस नहीं निकालना चाहिए था। हिंदुस्तान में अपने त्योहार के दिन जलूस निकालना गलत है, गलत है, गलत है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। जवाब देखिए, सबसे पहले तो अशोक गहलोत को सोनिया चालीसा कम पढ़ना चाहिए और संविधान ज्यादा पढ़ना चाहिए। संविधान क्यों पढ़ना चाहिए मैं आपको बताता हूं। ये कहते हैं करौली में जो हुआ उसके लिए नरेंद्र मोदी जी देश से माफी मांगे। अरे संविधान पढ़ लिया होता, शेड्यूल 7 कानून व्यवस्था तो मुख्यमंत्री सुनिश्चित करता है, प्रधानमंत्री नहीं। और ये तो अमीर जी ऐसे लोग हैं कि इनसे आप कहेंगे कि 6000 बलात्कार होते हैं राजस्थान में, सबसे ज्यादा पूरे देश में, कहेंगे ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से है। इनसे आप कहेंगे दलित उत्पीड़न होता है राजस्थान में, तो कहेंगे ये नरेंद्र मोदी जी की वजह से। आप सब कुछ गलत इसलिए बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नववर्ष पर शोभा यात्रा निकालना मना हो गया है। उसके अंदर सिर्फ संविधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए वहीं सिर्फ भाग ले सकते हैं। हाँ, मैं संविधान की ही बात करता हूँ अमित जी। संविधान संवैधानिक पद पर नहीं है अमित देव कुंज जी, शांत करिए, मुंह में मत डालिए आप इनको, शांत करिए। आपने मुकेश जी शांत करिए। आपने कहा किसने बोला था इनको ये जरूर निकालने के लिए, आपने कहा कि नहीं कहा, किसने बोला था इनको ये जलूस निकालने के लिए? आपने कहा संवैधानिक पद पर नहीं है यतीन अश्विनानंद, रिवाइंड करके देखिए आप। आपने बोला इनको जलूस निकालने के लिए किसने बोला था? संवैधानिक पद पर नहीं है, आपने कहा है। इतना उत्तेजित होकर कुछ नहीं होगा, जो है वो सामने है। एक सेकंड, जो है वो सामने है। गौरव भाटिया को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात को रिकॉर्ड पर आपने कहा अभी। अरे बिल्कुल, जो आपने बोला मैं तो वही बोलूंगा ना। आपने बोला कि किसने बोला? आपने बोला एसपी देने वाला संवैधानिक पद पर नहीं है। एक इसमें गलत क्या बात है? इसमें तो इसके बाद तो कोई गलत इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है। ओ एक सेकंड, गौरव भाटिया अपनी बात का जवाब देते। गौरव भाटिया, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? एक सेकंड मुकेश जी अनफेयर कर रहे हैं आप, यू मेड योर पॉइंट, लेट गौरव भाटिया कम इन। अमित जी, एक सकारात्मक चर्चा तभी हो सकती है जब एक एक करके बोले। अब आप सुनिएगा, संविधान का अनुच्छेद 19 यह हक देता है हर भारतीय को और हिंदुओं को भी देता yes. है, केवल मुसलमानों का तुष्टिकरण मत करिए कि yes. हिंदू एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं और पीसफुली कोई भी यात्रा निकाल सकते हैं। हिंदू नववर्ष आया तो उन्होंने यात्रा निकाली, तो क्या गलत कर दिया भाई? अगर तिरंगा यात्रा निकलती है और चंदन गुप्ता को मार दिया जाता है तो हिंदू गलत हो जाते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूं। देखिए, इन्होंने कहा पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, तो क्या ये कहना चाह रहे अशोक गहलोत नवरात्रे भूल गए क्योंकि राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल श्रीगंगानगर में मिल रहा है? ये किस तरह का भेदभाव है? लेकिन अशोक गहलोत क्या करें, जब राहुल गांधी उनके सर्वोच्च नेता कहते हैं कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है, जब मनमोहन सिंह जी तत्कालीन प्रधानमंत्री होके लाल किले की प्राचीर से कहते हैं संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, तो इन लोगों की तो सोच ही सांप्रदायिक और तुष्टिकरण करने वाली है। मैं केवल एक बात कहूंगा, जैसे रमजान का महीना पावन है वैसे नवरात्रे बड़े पावन है। कितनी माताएं हैं, कितने हमारे भाई हैं, पिता हैं, जो लोग व्रत रखते हैं पूरे दिन, माता की चौकी होती है, माता को याद किया जाता है, क्यों वहां पे बिजली नहीं आनी चाहिए? पहली बात तो राजस्थान का बुरा हाल किया कि बिजली नहीं, और जो बिजली है मुझे तो शर्म आती है कि सरकार की एक एजेंसी ऐसा आदेश दे कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, क्योंकि रमजान का महीना है, कटौती ना की जाए, हिंदू के पसीने छूट जाए, वो रहे बिना बिजली के कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कांग्रेस पार्टी भारत से खत्म होती जा रही है।
जी, और मेरी जानकारी के मुताबिक मुस्लिम बहुल्य इलाकों में बिजली कटौती ना करने के जो निर्देश दिए गए उसमें मंत्री जहीदा ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी को एक पत्र लिखा था। मंत्री के निर्देश पर तीनों बिजली वितरण कंपनियों ने ये आदेश जारी किए थे, यानी एक कंपनी ने नहीं जारी किए, ये तीनों कंपनियों ने जारी किए, यानी इसके अंदर पूरी तरह से सरकार इन्वॉल्व थी। एक मंत्री ने दूसरे मंत्री को चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बाद ये कार्रवाई हुई, यानी गवर्नमेंट वांट्स इट, यानी कांग्रेस की सरकार ने ये चाह रही थी और ये हुआ। जवाब इसका मुकेश जी, गौरव भाटिया की बात का जवाब 50 सेकंड। देखिए अमित जी, मैं पहले आपको अनुरोध कर चुका हूं, मैं दोबारा फिर आपके चैनल पर बैठकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि राजस्थान में मुझे आप नवरात्रि पर किस जिले में बिजली नहीं जा रही है जहां व्रत रखा जाता है आप मुझे उस जिले का नाम तो बताएं। आपके पास बहुत जानकारी है, आप बहुत बड़े चैनल पे बैठे हैं, आप मुझे बताएं जिले का नाम। जहां तक सवाल है रमजान पर बिजली देने का जो पत्र निकला है जिसको तिल का त्यौहार बनाया जा रहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे लिए सब बराबर हैं। नवरात्रि शायद हो सकता है कि मुझे सर्टिफिकेट किसी से लेना नहीं है कि हफ्ता नवरात्रि पर मैं भी व्रत रखता हूँ, कोई जरूरी तो नहीं है ना मैं आपसे पूछ के रखूंगा। नवरात्रि की मैं भी पूजा करता हूँ, मेरे घर में जन्म मैंने लिया है। सुनिए, नवरात्रि को मानने के लिए कोई बीजेपी के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ देश की जो विचारधारा में देश को धकेला जा रहा है जी। अब देखिए प्रमाण पत्र आपने दिया कि हेट स्पीच के नरसिंहानंद संवैधानिक पद पर नहीं है, मैंने उसका जवाब दिया था, आप चेक कर लेना दोबारा आपने क्या कहा। अरे अगर मैं आपको हेट स्पीच दी है ना, नरसिंहानंद की कोई वकालत कर रहा है ना, वो टॉपिक है। आपको दिक्कत हुई ना मैंने कहा तो, अब मेरी सुनिए आप। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हमारे लिए सब धर्म बराबर हैं, ये देश सबका है, सबका बराबर का हक इस देश पर है। जितना नवरात्रि का सम्मान है दूसरे धर्मों के अगर त्यौहार हैं तो उनका भी सम्मान उतने बराबर का होना चाहिए, हमारी नीति है और मैं इसमें मुझे इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। आप एक सवाल को नहीं उठा रहे हैं बार बार रमेश जी, आप दिल्ली में रहते हैं, आपने साउथ दिल्ली के मेयर ने जो बयान दिया है मीट की दुकानों के मंदिरों के पास पैसे खाकर लाइसेंस देने वाले आज कह रहे हैं नवरात्रि में मीट की दुकान बंद कर दो, शर्म आनी चाहिए इन बीजेपी वालों को नगर निगम में जो बैठे हैं। अरे मीट की दुकानें लाइसेंस आपने दिए मंदिरों के पास, पैसे खाकर दिए, आपकी 10 साल से बीजेपी नगर निगम में है, भ्रष्ट बीजेपी ने लाइसेंस दिए मीट के, गौरव भाटिया। अरे कोई शर्म आती है इन लोगों को, इनके दो मुंह है, क्या बात करते हैं आप लोग। जवाब देंगे ना जिनको आपने सवाल पूछा, इनको शर्म आनी चाहिए, जवाब देंगे गौरव भाटिया। हाँ दे जवाब ये। ठीक अमी जी, देखिए आपने जवाब सुना, तिल का पहाड़ क्यों बनाया, चलिए तिल का पहाड़ नहीं बनाते हैं, आप केवल एक काम करिए, अशोक गहलोत से कहिए एक आदेश निकाले कि नवरात्रों के मद्देनजर जितने हिंदू बहुल्य इलाके हैं, शांत कराइए, बौखलाइए मत, केवल एक छोटा सा आदेश निकाल दें कि नवरात्रों के मद्देनजर सारे हिंदू इलाकों में बिजली की कटौती नहीं की जाएगी। अमित जी ऐसा होगा नहीं, पता है क्यों? ये जो चिट्ठी आई है ये टाइप सोनिया गांधी ने खुद करी है, मुझे बताया गया, अपना टाइपराइटर निकाला उन्होंने इंदिरा गांधी जी के समय का, टाइप करी और अशोक गहलोत को बोला देखो हम मुस्लिम पार्टी हैं, ये रमजान का महीना है, इस आदेश को पारित कर दो, और इसलिए हो गया। और दुख की बात क्या है अमित जी, अभी यहां पे कहा गया हिंदुओं की गलती है कि हिंदू नव वर्ष में बाहर निकले कैसे, मतलब अगर नमाज पढ़नी है जुम्मे रोड पे रोक के नमाज पढ़ लो वो ठीक है, अजान सुबह 5 बजे बजेगी वो भी ठीक है, लेकिन हिंदू नववर्ष मनाने कैसे बाहर आ गया जब मुस्लिम पार्टी कांग्रेस की सरकार है। और विफलता देखिए, जब अशोक गहलोत को पीएफआई ने एक चिट्ठी लिखी जवाब तो उनको पहले से नहीं पता चला कि कुछ गड़बड़ी होगी, कानून व्यवस्था क्यों नहीं ठीक दुरुस्त कर पाए, और ठीकरा फोड़ रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी पे, ये खुद में दिखाता है कि एक निकम्मी निठल्ली और सोनिया गांधी से इशारे पे चलने वाली सरकार। मुकेश शर्मा जवाब
नवरात्रों को लेकर ऐसी चिट्ठी क्यों नहीं आई? आपने बोला ना मेरे लिए सब धर्म बराबर है, कांग्रेस के लिए सब धर्म बराबर है, नवरात्र भी बराबर है, रमजान भी बराबर है, यानी आपके लिए 80 करोड़ जनता भी बराबर है और 20 करोड़ जनता भी बराबर है, यह आपने बोला। एक मुझे सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, तो नवरात्रों को लेकर चिट्ठी क्यों नहीं जारी की? नवरात्र में भी व्रत रखा जाता है, नवरात्र को लेकर चिट्ठी जारी क्यों नहीं हुई अगर बराबर थे सभी? रमजान को लेकर गौरव भाटिया जी ने मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि 10 साल से एमसीडी में बीजेपी है, मीट की दुकानों के लाइसेंस मंदिरों के पास पैसे खाकर क्यों दिए? अभी अगली बार मैं दे दूंगा। उसका जवाब नहीं दिया, गोल करके उसे जवाब। तो पहले आप उत्तर दीजिए। उसका जवाब गोल कर दिया। आप तो सेकुलर पार्टी है, मुकेश जी सेकुलर पार्टी को तो नवरात्र के लिए भी चिट्ठी लिखनी चाहिए थी। आपकी किसी और सरकार ने नवरात्र के लिए चिट्ठी लिखी हो तो जरा जानकारी दीजिए। बंद कराइए बीजेपी वालों का मुंह। मुझे मैं बोलूं जी, आप ही से सवाल है मेरा। बीजेपी की किसी सरकार ने नवरात्रि पर मैं सवाल दाग रहा हूं गौरव भाटिया जी से, बीजेपी शासित किसी राज्य के मुख्यमंत्री की या सरकार की चिट्ठी दिखा सकते हैं कि नवरात्रि पर चिट्ठी निकाली हो कि इन इन क्षेत्रों में पूरी बिजली दी जाए? है कोई जवाब? नहीं है। मैं जवाब देता हूं, राजस्थान के अंदर जहां जहां मंदिर हैं, जहां जहां पूजा हो रही है मंदिरों में, वहां तमाम जगह पूरी बिजली दी जा रही है, वरना आप जिले और मंदिर का नाम बताइए, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं आपके पास। ठीक है, एक एक सवाल का जवाब। अगर चिट्ठी हमने नहीं निकाली तो चिट्ठी आपके कौन से स्टेट ने निकाली है? सरकारों ने कई चिट्ठी दी नवरात्रि, बीजेपी ने तो रमजान के लिए भी चिट्ठी नहीं दी ना। ओके गौरव भाटिया, देखिए अमीर जी, पहली बार पता चला कि दगे हुए कारतूस भी सवाल दागते हैं। चलिए आपने सवाल दागा तो जवाब भी लीजिए। अमीर जी ने बिल्कुल सही बात कही, आप भेदभाव क्यों करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करते हैं? हमारे किसी प्रदेश में ऐसी चिट्ठी दिखाइए जिसमें हिंदुओं के लिए कुछ किया हो लेकिन मुसलमान भाइयों के लिए ना किया हो, आप नहीं दिखा पाए। प्रश्न यहाँ ये है, हरियाणा में मंदिरों में बिजली नहीं है, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं रहने वाला हूँ वहाँ का। सुनिए, चिल्लाइए मत चिल्लाओ, दूसरे राहुल गांधी मत बनो वरना जूनियर पप्पू कहलाओगे, मत करो ऐसे प्लीज। अरे आप भी आप बोलते हो, मैं सुनता हूँ, मैं उत्तर देने लगता हूँ, चिल्लाने लगते हो, आप रंगा मिला पप्पू बनोगे क्या? इतना मुंह मत खोलो, मच्छर अंदर घुस जाएगा आपके ऊपर, मच्छर अंदर चला जाएगा, मुंह बंद कर लो, बता रहा हूँ। अरे रंगा मिला कौन है? रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी, देखिए बोल दिया आज आपने, रॉबर्ट वाड्रा को बिल्ला बुला रहे हो? अच्छा रंगा राहुल है, नहीं अच्छा राहुल रंगा है, रंगा और तुम क्या हो? बेहतर रहेगा, चलो है, तुम क्या हो? क्या हो मुंगेरी लाल? फड़कती हुई आंख, फड़कती हुई आंख, हो तो धक्के खा के आए हो आगे आगे, हम तो आगे जा रहे हैं, तुम पीछे चलो, गड्ढे में गिरे हुए हो, पीछे चलो, चलो पीछे चलो, उल्टा चलो, उल्टा चलो, लेफ्ट लेके राइट, राइट लेके लेफ्ट, आधे राइट आओ आधे लेफ्ट आओ, बाकी राहुल गांधी के साथ आओ, राहुल गांधी के साथ कोई है नहीं, दुकान का रंगा राहुल और बिल्ला रॉबर्ट, रंगा राहुल बिल्ला रॉबर्ट, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन लेकिन शिवम त्यागी और मेरे दूसरे मेहमान खान साहब दोनों इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका रुक करूंगा एक अंतराल के बाद। आप देखते रहिए आर पार का ये जबरदस्त एडिशन, ब्रेक के बाद बड़ी खबर। तो बाकी धर्मों को क्यों छोड़? तो इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश से जो बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि रामनवमी और हनुमान जयंती का त्यौहार पूरे धूमधाम से मनाया जाए, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक आरिफ मसूद ने अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। वो कह रहे हैं कि एक राजनीतिक पार्टी के लिए ऐसा करना बिल्कुल जायज नहीं है, ठीक नहीं है, मैं इसका विरोध करता हूं जो कुछ ये प्लानिंग हो रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक धर्म को खुश करने के लिए यह सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनका मानना है क्योंकि मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में चुनाव होगा इसलिए किया जा रहा है, रमजान को किनारे करके हनुमान जयंती की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी है, ऐसा कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती, नहीं कह सकती। शिवम त्यागी, कुल मिलाकर अगर हम देखें राजस्थान में तो जेपी नड्डा चले गए और प्रधानमंत्री मोदी को इंटरफेयर करना चाहिए, हिंदुओं को जलूस भी नहीं निकालना चाहिए था, शोभा यात्रा नए साल पर नहीं निकालनी चाहिए थी, लेकिन
यहां का क्या करेंगे मध्य प्रदेश का, यहां पे तो अपनी पार्टी विरोध कर रही है। अमित जी आप कह रहे हैं कि हनुमान जयंती मना रहे हैं, अभी थोड़े दिनों बाद देखिएगा चुनाव आने दीजिए, राहुल गांधी हनुमान बन के घूमेंगे अपने आप। वो तो हर जगह देखा नहीं आपने किस तरीके से कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमने लग जाते हैं। जहां तक बात हिंदुओं की और कांग्रेस की है, कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी है। कांग्रेस हिंदुओं को सेकंड क्लास सिटीजन मानती है। क्यों? गौरव भाटिया जी ने कितने सारे एग्जाम्पल दिए और ये सच्चाई भी है। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदुस्तान में आपने कभी आज तक ऐसा देखा है कि रमजान में इस गर्मी में इंश्योर किया जाए कि बिजली आनी चाहिए? क्यों जी? आप कह रहे हैं यहां बैठकर टीवी पर कि मुझे क्यों नहीं कहा जा रहा। हो सकता है मैं भी नवरात्रे रखता हूं, मुकेश जी ने कहा। मुकेश जी नवरात्रे अगर रखते हो तो बार बार ये मीट 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 की बात क्यों करे जा रहे हैं भैया हिंदुओं के सामने? मतलब करके आए हैं ना इफ्तारी आप? मेरा मानना है ये हिंदुओं को एक सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं, ये मुसलमानों को राजा और हिंदुओं के बच्चों को प्रजा मानते हैं। और बीजेपी के लोगों ने नीतियां आज तक, अरे भैया ये क्या मीट मीट की बात करे जा रहे हो? ये क्या शहरी करके आए हो क्या? मतलब क्या इफ्तारी होती है पैसे खाकर खुलवाई है तो बंद करने की बात कर रहे हो? मीट मीट इफ्तारी साल से बीजेपी में बीजेपी बैठी है ना, आप मुनव्वर तो नहीं है? मुनव्वर तो नहीं है भैया, ये रमजान में दाल चावल तो है मेरे पास, वो तो मैं ऑफर कर सकता हूँ, मीट तो नहीं है। देखिए बैठकर टीवी पर पिछले आधे घंटे से मीट की ही बात की जा रही है। अरे भैया रमजान चल रहे हैं, साथ साथ में हमारे नवरात्रे भी है, आपके रमजान नवरात्रे आपको अगर चाहिए तो भिजवा देते हैं। अरे भैया ये क्या मीट मीट करे जा रहे हैं? अरे मनोवर भैया क्या मीट मीट करे जा रहे हैं? नहीं है कुछ ज्यादा लोग, छोड़िए इस बात को, छोड़िए इस बात को, कुछ नहीं रखा है। हो गया भाई टीवी पर बैठकर भी आप मीट की बात कर रहे हैं, मीट की बात करेंगे, तमाम चीजों की बात करेंगे, हिंदुओं की बात कीजिए, नवरात्रों की बात कीजिए, उनको बिजली देने की बात कीजिए, जहां पर भी देखो बस मुस्लिम तुष्टिकरण, जहां पर भी देखो मुस्लिम तुष्टिकरण। ये तो शुक्र बानी अमीश जी जैसे पत्रकार जिन्होंने खाने का तुष्टिकरण और विपक्ष ने हंगामा कर दिया, रिश्वत खाने का ठेका ले लिया आप लोगों ने, इसी तरीके से तो किया। अरे रिश्वत खाते हैं रिश्वत, आज तक कुछ दिया नहीं एमसीडी ने, रिश्वत खाकर दुकानों का लाइसेंस दिए, तमाम जगह हर जगह डिसीजन पलटने में एमसीडी ने रिश्वत खाकर लाइसेंस दिए, प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम लोग बस हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हो। ये देखिए कमलनाथ जी ने अच्छा, कहा कि एमसीडी पैसे खाएगी, बिल्कुल नहीं मना, एमसीडी को डिफेंड करोगे भैया? एमसीडी का चुनाव जब आएगा तो एमसीडी की बात करेगा। एक सेकंड विषयांतर ना करें, हम विषय पर रहे। देखिए मेरे एक मेहमान तौसीफ खान अभी तक बोले भी नहीं है। मुकेश जी ये देखिए आधे घंटे बाद बोल रहे हैं शुभम त्यागी, मुस्लिमों के लिए बात करते हो। शिवम मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन तौसीफ खान का मैं रुख करता हूँ। तौसीफ खान ये मतलब इससे क्या ज्यादा वोट मिल जाते हैं जो तुष्टिकरण की नीति अपनाई जाती है? क्योंकि मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि बंगाल में भी इसी तरह के तरीके की बड़ी वारदातें होती हैं, कई बार कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है बीच में। क्या कहना चाहते हैं आप? आपसे सीख रहे हैं लोग या फिर आप सिखा रहे हैं, आप ही गुरु हैं? देखिए ये बिजली सप्लाई को लेकर के जो मुद्दा है ये एक कमर्शियल मुद्दा है, इसमें राजनीति का जगह नहीं है। अच्छा। ये दो कंपनी के बीच का मामला है, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जयपुर डिस्कॉम। इन्होंने एक दूसरे को पत्र लिखा है। पत्र में क्या लिखा है कि भाई मुस्लिम बहुल्य इलाके में कम से कम रमज़ान के सदके ही तुम बिजली सप्लाई दो, क्योंकि वहाँ पर बिजली सप्लाई नहीं दिया जाता है। अगर यही हाल हिंदू मुस्लिम इलाके में होता, वहाँ अगर इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होता तो ये लेटर हिंदू बहुल्य इलाके के बारे में लिखा जाता कि भाई वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दो। तो कमर्शियल पॉइंट और लीगल पॉइंट ये है कि उपभोक्ता जो है इस कंपनी के, चाहे वो किसी भी धर्म के हो और किसी भी इलाके में रहने वाले हो, वो बिल एक ही रेट में देते हैं, उनसे रेट एक ही कलेक्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जिस इलाके काफी में समझदार है तौसीफ जी, मैं आज आपकी तारीफ कम पैसा लेते हो, पैसा तो सब जगह बराबर लेते हैं, लेकिन जब सप्लाई की बात होती है तो ये यहाँ पे भेदभाव कर देते हैं। और इसी को लेकर के सवाल उठाया गया, अगर यही भेदभाव आप मान लीजिए मुस्लिम इलाके के बजाय हिंदू इलाके में किए होते तो आज ये पत्र जो है वो हिंदू इलाके के लिए लिखा जाता, मुस्लिम का नाम ही नहीं आता, मुस्लिम इलाके का नाम ही नहीं आता। कमर्शियल मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट्स का मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स का। बिल्कुल सही कहा आपने, कॉन्ट्रैक्ट का मैटर। तौसीफ मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, आप विषय को बहुत अच्छे से समझे और आपने एक अपना एंगल उस पर दिया और आपने बोला जो डिस्कॉम्स का मामला है। हाँ, लेकिन आपके लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं दिख रहा। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ये बहुत आपने दानिश्वर पॉलिटिक्स
दानिश्वर बात करी है, जिस बात के लिए आप जा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए तौसीफ, तौसीफ स्कोप नहीं है। मैं तो आपकी, आप एक सीधा सा मुद्दा है उसका, मेरी भी तो पूरी बात सुनिए ना। आप नहीं चाहते कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, गैस का दाम बढ़ा हुआ, उसके बारे में बिल्कुल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। सुनिए सुनिए सुनिए, ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, आपको 40 सेकंड मजबूरन मुझे सुनना ही पड़ेगा। आपने बोला पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा हुआ है, लेकिन जोधपुर विद्युत वितरण निगम के इस चिट्ठी से पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, इस पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। आपने बोला रमजान के महीने, रमजान का महीना चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है, सभी बिल बराबर देते हैं। मैं जानना चाहता हूं क्या क्या मुस्लिम तबका बिल ज्यादा देता है, इसलिए चिट्ठी जाए थे। सुनिए बात पूरी, आप पूरी सुननी पड़ेगी। आपने बोला सुनना पड़ेगा पूरा। ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए। मुसलमान क्या बिल ज्यादा देते हैं इस इलाके के, इसलिए चिट्ठी में सिर्फ उनका जिक्र है। हिंदू उतना बिल नहीं देते, वहां ईसाई भी रहते होंगे, वो भी उतना बिल नहीं देते। इस चिट्ठी को जायज ठहराया जा रहा है क्योंकि उपभोक्ता है ये। क्या सिर्फ मुसलमान उपभोक्ता है उस इलाके के अंदर? क्या हिंदू उपभोक्ता नहीं है? क्या राजस्थान के अंदर भी बंगाल हो गया है जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है? क्या राजस्थान का यह इलाका भी उन 200 जिलों में है जहां पर मुसलमानों की संख्या ज्यादा है? जवाब है नहीं। जोधपुर में ऐसा नहीं है। पूरे जोधपुर के अंदर हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने, ईसाई कितने, नाप के देख लीजिए। लेकिन चिट्ठी सिर्फ मुसलमानों के लिए। क्यों? नवरात्रि में हिंदू व्रत नहीं रखते क्या? इस देश का प्रधानमंत्री व्रत रखता है, उपवास पे रहता है इस देश का प्रधानमंत्री। क्या हिंदू उपवास नहीं रखते क्या? ट्वीट करके व्यूअर्स बताइए कि आप लोग कौन कौन उपवास रखते हैं आर पार के हैशटैग के साथ। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कौन कौन नवरात्रि में उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, और ट्वीट करके अपनी फोटो जरूर शेयर करिए। इस देश के अंदर आपको लगता है नवरात्रि का व्रत नहीं होता क्या? अरे सुबह पूजा होती है, उसके बाद कोई खाना एक ही बार ही खाया जाता है, उसके बाद रात को पूजा होती है। उनको गर्मी नहीं लगती क्या? धर्म देख के गर्मी लग रही है, बताइए तौसीफ। धर्म देख के गर्मी लगती है? तौसीफ खान को गर्मी ज्यादा लगेगी और अमित को कम लगेगी? कैसे लगती है ये गर्मी कैसे लगती है ये पत्र? अमीश भाई सुन लीजिए, कॉमन सा लॉजिक है। हाँ, ये पत्र इस बात का प्रमाण है, ये पत्र इस बात का प्रमाण है, बहुत ही क्लियर लफ्जों में ये स्पष्ट हो जाता है कि किन इलाकों में बिजली की कटौती की जाती है। और ये दुहाई की जा रही है मंत्री के तरफ से कि कम से कम रमजान के वक्त तो हमें बख्श दो, साल भर तो तुम यहाँ बिजली देते नहीं हो, कम से कम रमजान के वक्त तो बख्श दो। और इस यही अगर मामला दूसरे इलाकों में होता तो वहाँ से भी चिट्ठी जाती कि भाई कम से कम नवरात्रि में तो इलेक्ट्रिसिटी दे दो, कम से कम नवरात्रि में तो बख्श दो, इलेक्ट्रिसिटी दो। नॉनस्टॉप मत बोलिए तौसीफ, रुक जाइए। अमीश जी, आप उस व्यक्ति से और उस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ रहे हैं बैठकर जो अपने यहां माइनॉरिटी मुस्लिम तुष्टिकरण के बादशाह हैं। हिंदुस्तान में मुस्लिम तुष्टिकरण में अगर किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए तो ममता बैनर्जी है, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पेट्रोल जाहिर है नहीं बढ़ेगा, ये उस राज्य से आते हैं जिस राज्य की मुख्यमंत्री हिंदू है और किताब लिखती है उर्दू में। मैं तो लॉजिक दे रहा हूँ सर, जहाँ की मुख्यमंत्री हिंदू है और किताब लिखती है, शायरियां लिखती है उर्दू में, जहाँ इमामों को तनख्वाहें मिलती है, आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह की बातें करते हैं? इन्होंने कहा इसका मतलब है कि मुसलमान जगहों पर बिजली नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती भाई? एक चीज बताइए, अगर नहीं दी जाती तो उसका डेटा भी लिख देते उस लेटर के नीचे। ये सीधी सीधी बात है कि इस देश में हिंदू अगर आप हैं और खास तौर पर विपक्षी दल है, कांग्रेस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो शुक्र बनाइए कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और तमाम जगहों पर है, वरना बहुत बड़ी बात होती, मैं तो यहां बैठकर लाइव ना कर पाता। ये आप क्या बिल्कुल मतलब दम घोटकर मार देना चाहते हैं क्या इस देश के हिंदुओं को? और मेरा फिर से यही एक निवेदन है। अच्छा, मैं एक बात समझना चाह रहा हूँ, मैं ये पूरे पैनल के सवाल है, हिंदुओं को गर्मी कम लगती है और मुसलमानों को गर्मी ज्यादा लगती है, ये किस बात का लॉजिक है? चर्चा कीजिए। हाँ, हिंदू तो सर पे एसी लेकर घूमते हैं ना। अमीश जी, हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता हो, आपके पास बहुत पैसा है, दिखाई देता लेकिन हो गरीबों तो का जीना मुहाल हो गया है। अगर कांग्रेस ने बिल्कुल जीना मुहाल हो गया है, ना बिल्कुल जीना मुहाल हो गया, इसमें हिंदू भी है, उनको भी उतनी गर्मी लगती है। गौरव भाटिया, ये मतलब बड़ा विचित्र सवाल है। ऐसा सवाल कभी शायद आपने भी फेस नहीं किया होगा, हमने भी फेस नहीं किया होगा।
कि गर्मी का भी अब धर्म हो चुका है। ये गर्मी का धर्म कैसा होता है, गर्मी कैसे कम लग सकती है किसी और कैसे ज्यादा लग सकती है, इंडिविजुअल बॉडीज पे फर्क हो सकता है लेकिन धर्म के आधार पे गर्मी कैसे कम और ज्यादा होती है? नहीं अमीर जी, ये जब आपने सवाल पूछा तो मेरे मन में वो बात आई जो हर नागरिक के मन में आई जी। मुझे तो लगता था कि कुछ मुसलमान भाई ऐसे हैं बहने जिनको गर्मी लगती ही नहीं है, खासकर बहनों को, क्योंकि जब हम लोग हिजाब पे चर्चा कर रहे थे, बुरके पे कर रहे थे, तो हम लोग कह रहे थे बहुत गर्म लगता है, काला कपड़ा पहना के रखते हो जी, जी, जी। तो ये लोग कहते थे नहीं नहीं, उस बुरके के नीचे एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, वो तो बहुत अच्छे से हवा के झोंके आते हैं, तो बुरका पहनने के वक्त तो इनको जो है गर्मी नहीं लगती, लेकिन आप गर्मी लगने लगी। लेकिन मुझे दुख पता है क्या हुआ, तौसीफ एक वकील है, तौसीफ कह रहे डिस्कॉम की बात कर दी, डिस्कॉम का मामला नहीं, तौसीफ भैया नहीं, ममता बनर्जी की आंखों से मत देखो, इस पत्र में लिखा है जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार का उपक्रम, मतलब सरकारी कंपनी है अमीर भैया, yes, yes, yes. ये सरकारी कंपनी है और सरकार भेदभाव कर नहीं सकती संविधान के तहत, लेकिन अरे ये ममता जो है ये तो ममता बेगम है, कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स की बात है, ये कमर्शियल लगाओगे चमड़ी उधेड़ देंगे। सुनिए सुनिए, शांत शांत, देखिए बीच में ये दो, ये कंपनी के बीच में क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है? आप मुझे सिर्फ एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या इनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं। ठीक 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 है, गौरव भाटी अपनी बात को 20 सेकंड कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलिए। बोलिए गौरव। देखिए मुझे सिर्फ एक बात याद आती है कि एक पश्चिम बंगाल में हमारे भाई ने कह दिया जय श्री राम, ममता बनर्जी ने ऐसे दरवाजा खोला, उतर के आई, कहे चमड़ी उधेड़ दूंगी तुम्हारी, कैसे बोला जय श्री राम, अकबर अल्लाह अकबर बोलो, ला इल्ला इल्लल्लाह बोलो तो मैं भी साथ में जो है नमाज पढ़ूंगी। और मत भूलिएगा ये कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला है कि दुर्गा मूर्ति विसर्जन नहीं होगा, लेकिन मुहर्रम के लिए जो ताजिया निकाले जाते हैं वो जाएंगे मुसलमान, और कलकत्ता हाईकोर्ट ने खींच के थप्पड़ मारा, कहा कि यहाँ पे लोकतंत्र है, हिंदुओं का भी अधिकार है, ये बात ममता बनर्जी को समझ में आ जानी चाहिए। जवाब, और बस जवाब। एक बात और कह दूं, रिश्वत, एक बात, दस सेकंड, रिश्वत की बात निकल आई कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से, अरे मुझे तो किसी ने बताया था राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने तो सोनिया गांधी ने कहा कि मेरा हिस्सा तो दे दो, तुम्हें अध्यक्ष बनाया है, मेरी रिश्वत कहाँ है? ये रिश्वतखोर पार्टी बताएगी कि रिश्वत लेना क्या है, जिनके लिए हर चीज रुपया है और रुपया ही रहेगा। ठीक है तौसीफ, ये आप जरा समझाइए, ये धर्म के हिसाब से गर्मी कैसे लगती है? मुसलमानों को गर्मी ज्यादा लग रही है, हिंदुओं को कम लग रही है, ये मतलब ये बैरोमीटर आपने, ये वाला टेम्परेचर बैरोमीटर थर्मामीटर कहाँ से लाया? अमित जी नहीं, अमित जी देखिए, अगर इलाके में बिजली काट दी जाएगी, इलाके में पंखा नहीं चलेगा, तो वहाँ के लोग परेशान होंगे, वो मंत्री के पास जाएंगे गुहार लेकर के कि हमें बिजली जो है बिजली दीजिए, नहीं तो वहाँ प्रॉब्लम होगी, अगर वहाँ प्रॉब्लम होती तो वहाँ की मंत्री जाती चाहिए। समझा रहे हैं तौसीफ, समझा रहे हैं कि धर्म के हिसाब से गर्मी कैसे लगती है, आप ये मुद्दा धर्म के हिसाब से मौसम कैसे चलते, समझा रहे हैं वो व्यूअर्स के लिए, ये बिल्कुल नई चीज है व्यूअर, सब कुछ छोड़ दीजिए भैया, अभी जो भी कर रहे हैं छोड़ दीजिए, तौसीफ खान एक बड़ी बात बता रहे हैं व्यूअर, सब कुछ छोड़ दीजिए, तौसीफ बताइए धर्म के हिसाब से गर्मी कम ज्यादा कैसे लगती है, समझाइए आपका क्या मतलब, आपके कोई नया इजाद की है चीज, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ देखिए, नया इजाद आप और आपके चैनल करते हैं कि अपने व्यूअर्स को, अब आपने अच्छा किया अपने व्यूअर्स के अटेंशन को ले लिया, व्यूअर्स आप जानिए ये एक नॉन इशू को मुद्दा बना करके अच्छा। आपके जहन को भटका रहे हैं ताकि आप सड़क में उतर के प्रदर्शन ना करें कि ये पेट्रोल का दाम 110 कैसे हो गया, ये गैस का दाम इतना ज्यादा महंगा कैसे हो गया, डीजल का दाम इतना महंगा हो गया, तो हर एक सब्जी हो
चावल हो आटा हो हर चीज का दाम महंगा हो गया। लेकिन आप इन्हीं से बोलिए कि कहां पे अभी आप समझा रहे थे कि धर्म के हिसाब से गर्मी होती है, धर्म के हिसाब से गर्मी का मौसम जो है वो धर्म के हिसाब से है। ये बात दूर तक जाएगी और आप मीडिया के जरिए अच्छा ठीक है इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मीडिया ये मुद्दे उठा रहा है। जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड को जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है, उनकी कंपनी है, उनको मैंने बोला था ये चिट्ठी लिखने के लिए, ये चिट्ठी लिखिए जिससे मैं आज शाम को डिबेट कर सकूं। मैंने बोला शो हिंदुओं की शोभा यात्रा पर लोगों को पत्थर चलाने के लिए जिससे मैं विषय मतलब आप लोगों की निर्लज्जता और मैं शब्द को बहुत जिम्मेदारी से ऑडियो डाउन करिए रुकिए पीसीआर ऑडियो डाउन करिए पुट द ऑडियो ऑन होल्ड। निर्लज्जता देखिए, लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। इस चिट्ठी में किसने हिंदू मुसलमान किया, किसने किया इस चिट्ठी में हिंदू मुसलमान? यानी ये चिट्ठी अमीश देवगन ने लिखी और अमीश देवगन ने बोला ये चिट्ठी जारी करिए और उसके बाद दूसरी चिट्ठी जारी करिए और वापस लीजिए इस चिट्ठी को। मैंने बोला ये चाहते हैं ये विषय उठे भी ना, ये चुपचाप करें, इसमें कोई चर्चा ना हो, चुपचाप ये फैसले लागू होते रहे। इस देश के अंदर हिंदू शोभा यात्रा निकालता है उस पर पत्थर चल जाते हैं, इट शुड नॉट बी रिपोर्टेड। इस देश में ऐसा होता रहा है जी। इस देश के अंदर कश्मीरी पंडितों को उनके घर से बेघर कर दिया गया और नैरेटिव बिल्ड किया गया, वो बड़ी एलीट कॉम थी इसलिए उनको उनके घर से बेघर किया गया। इस देश में हुआ, इस देश के अंदर मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, सब लोग शांत बैठे रहे। इस देश के अंदर गोधरा में ट्रेन चलाई गई, सब लोग शांत बैठ रहे और एक तरफ का नैरेटिव बिल्ड हुआ। लेकिन अब और नहीं होगा, क्योंकि फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती है, सत्य दिखाया जाता है और सत्य तब दिखाया जाता है इन सब के पेट में मरोड़ उठते हैं और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। इसलिए तकलीफ होती है कि सत्य दिखाया जाता है, सत्य दिखाने से इतनी परेशानी है इनको, इन्हें लगता है पेट्रोल डीजल की कीमत, अरे पेट्रोल डीजल की कीमत अगर बढ़ी हुई है वो भी रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन आप जो कारनामा करेंगे वो भी रिपोर्ट होगा। मुकेश शर्मा, शिवम त्यागी मेरे साथ है। शिवम त्यागी, समस्या यह है इस समय, मुकेश शर्मा मैं आपका रुक कर रहा हूं, समस्या यह है कि अशोक गहलोत साहब को लगता है कि जेपी नड्डा आए तो देखिए हिंदुओं की शोभा यात्रा पे अटैक हो गया और नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए इसके बारे में। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो 10 सेकंड का कमेंट कहना चाहूंगा। आपने कहा कि भाई ये हिंदुओं को गर्मी कम क्यों लगती है, ज्यादा मुझे हिंदू मुस्लिम का तो पता नहीं, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में तो महाराज जी हैं और उत्तर प्रदेश में महाराज जी ने कहा था कि मैं मई में भी शिमला बना देता हूं। उत्तर प्रदेश में शिमला बन चुका है, राजस्थान में शिमला बनने की आवश्यकता है। महाराज जी जैसा कोई मुख्यमंत्री वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बने तो शायद हो सकता है कि वहां पर भी ठंडक रहे। अब इस बात पर आते हैं, जहां तक बात करौली की है, आप एक इतने इनकॉम्पिटेंट मुख्यमंत्री हैं कि आपके राज्य में घटना होती है हिंदू नववर्ष मनाने पर कुछ लोगों पर पत्थर फेंके जाते हैं और आप कहते हैं प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जिम्मेदार है तो फिर आप एक काम कर दीजिए ना, रिजाइन कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन होने दीजिए, प्रधानमंत्री से जवाबदेही मांग लीजिएगा। लेकिन अगर आप ले देकर 2014 में 9 राज्यों में सरकारों में थे, अब 2 में हैं, 2 राज्य भी 135 साल पुरानी पार्टी से अगर पर नहीं उनका चलते, उनका आरोप है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है आकर। नहीं तो ये तो इससे भी बड़ी कमजोरी है। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर भी अपना एजेंडा चला सकती है तो आप सरकार में रहकर इतने इनकॉम्पिटेंट क्यों हैं? ठीक है, जवाब तो मुकेश शर्मा, कमजोरी की बात है। अशोक गहलोत ने ये बात बोली कि बीजेपी चुनावी मोड में आ रही है इसलिए हिंदू मुसलमान कर रही है। जेपी नड्डा है, अब अमित शाह भी आएंगे, प्रधानमंत्री को संबोधित करना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या था मुकेश जी? कोई नहीं बोलेगा। देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी जहर फैला रही है सब जानते हैं और सत्ता के लिए फैला रही है और इसमें काफी हद तक कामयाब रही है, मुझे उसमें कहने में कोई दिक्कत नहीं है। जहर कैसे फैला रही है? जहां तक शिवम जी ने राज्यों का सवाल किया, अब देखिए बीच में नहीं, मैं 10-20 सेकंड में अपनी बात पूरी करूंगा। आप ही का वक्त है सर। जहर कैसे फैला रही है? हमारी दो राज्यों में सरकार जहर फैला रही है बीजेपी। कैसे? और जो लोग नवरात्रि में गरीब लोगों के मुंह से रोटी छीन रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर, उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे राज्यों के नतीजे आते ही आप गरीब के बच्चे छीन लिए आप लोगों ने महंगाई बढ़ाकर, नवरात्रि में शर्म आनी चाहिए आपको। आप बच्चों का दूध छीन रहे हैं, आप बच्चों की रोटी छीन रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। चुनाव हो गया, धनातन भाव बढ़ाए जा रहे हैं, मर रहे हैं गरीब आदमी। नहीं करनी है, रैली करनी है तो राजस्थान में करो, जा रही है सरकार। आप तुम भरो चुल्लू भर पानी में,
नवरात्रि में तो बख्शते हैं लोगों पर जवाब दीजिए सीधा सब करिए आप लोग पॉइंट पर जवाब दीजिए मुसलमानों के लिए बिजली के लिए क्यों कहा पॉइंट पर जवाब दीजिए इधर मत भागिए भाषण नहीं चाहिए शर्म आनी चाहिए आप लोगों को हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक देश में मुसलमानों को ही बिजली मिले राजस्थान में ऐसा क्यों कहा पब्लिक खड़ी हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए लेकिन मैं मुकेश शर्मा से दो सवाल पूछना चाहता हूँ मुकेश शर्मा ऑन स्क्रीन मुकेश शर्मा को लेके आइए और गौरव भाटिया को बताइए शिवम होल्ड ऑन गौरव भाटिया मुकेश शर्मा एंड गौरव भाटिया एक सेकंड मुकेश शर्मा पहले मैं आपसे एक सेकंड मुकेश जी आप ही को मैं मौका दे रहा हूँ मेरा निवेदन है कि इत्मीनान से बात रखिए आपने बोला बीजेपी जहर फैला रही है यही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है ऐसा आपको क्यों लगता है कि हिंदू नववर्ष पे शोभा यात्रा निकालना हिंदू मुसलमान है क्या पत्थर फेंकने वाले सही थे मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं हिंदू नववर्ष पर रैली निकालना कोई जुर्म नहीं है कोई क्राइम नहीं है शोभा यात्रा इसको तस्लीम करता हूं ठीक है मैं हाँ शोभा यात्रा जुलूस एक ही बात मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप बकायदा कानूनन तरीके से आप निकालिए शोभा यात्रा कौन आपको रोकता है आप जबरदस्ती जाकर कहीं घुसेंगे और जबरदस्ती उन्माद पैदा करने के लिए अच्छा आप शोभा यात्रा निकालेंगे क्या ये जहर फैलाना नहीं है तो क्या है तो ये बीजेपी करा रही और मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो लोग नवरात्रि की दुहाई देते हैं वो बच्चों का दूध छीन रहे हैं आपने बोली ये बात आपने ये बात बोली रिपीट कर रहे हैं गौरव भाटिया कानूनी ढंग से शोभा यात्रा निकालनी चाहिए और बीजेपी जहर फैला रही है जेपी नड्डा आए वो अपने एक निजी कार्यक्रम में वहां पर थे जेपी नड्डा गए आप अमित शाह आएंगे एक सेकंड जहर पर आप क्या कहना चाहते हैं एक सेकंड मुकेश जी अब आपने अपने वक्तव्य को रख लिया आपने अच्छा बोला अपनी बात को रखा अब आप गौरव भाटिया देखिए आपने बड़ा आरोप लगाया है देश की रूलिंग पार्टी पर अच्छा ठीक है बिल्कुल अरे चुनाव के नतीजे आते ही डूब के मर जाओ गरीबों को मार दिया आप लोगों ने ठीक है डूब के मर जाना चाहिए बीजेपी वालों को ठीक है आपने बोला ना गौरव भाटिया जवाब देंगे देखिए पहले तो बड़ी गंभीरता से एक बात कह दूं इन्होंने कहा बच्चों का दूध छीन लिया मैं तो कसम खा के कहता हूं राहुल गांधी का दूध हमने नहीं छीना है बिल्कुल नहीं छीना है और जहरीले कोबरा कौन है मैं आपको बताता हूं जो कहते थे सेक्युलरिज्म और हज सब्सिडी हजारों करोड़ रुपए की देते थे टैक्स पेयर के रुपए से जहरीले कोबरा कौन है आपको मालूम है जो संचार कमिटी की सिफारिशों को लागू नहीं कर पाए लेकिन तुष्टिकरण पूरा किया जहरीले कोबरा वो है जो पूछते थे कि आर्मी में मुसलमान कितने हैं आर्मी में सोचिए और मैं एक बात कह दूं अभी भी इन्होंने क्या कहा उन्माद हिंदुओं ने फैलाया क्योंकि वो बाहर निकल के आए हिंदू नववर्ष मनाने आपने वो जबरदस्ती घुसे कितनी ये गंभीर बात जबरदस्ती घुसे इसलिए पत्थर हाँ बिल्कुल मतलब हिंदू अपनी शोभा यात्रा निकालता है तो वो जबरदस्ती करता है और वो पत्थर मारे जाएंगे उनको चोट लगेगी वो मरेंगे तो ये ठीक है लेकिन कानून व्यवस्था जो है ध्वस्त रहेगी सोनिया चालीसा पढ़ेंगे मुकेश जी क्या आपको लगता है कि एनओसी हिंदुओं को अगर शोभा यात्रा निकाल ली है कांग्रेस शासित राज्यों में या फिर किसी और शासित राज्य में वहां पर मुसलमानों से एनओसी लेना चाहिए कि आप पहले एनओसी दीजिए उसके बाद हम शोभा यात्रा निकालेंगे आप ये प्रक्रिया चाहते हैं हो जाए यू वॉन्ट एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम मुस्लिम मोहल्ला की बात करेंगे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार नहीं शर्म नवरात्रों की बात करने के लिए शर्म आनी चाहिए क्या बोल रहे गर्व है मैं नवरात्रों पे अरे आपको कह रहा हूँ मिस्टर गौरव भाटिया आप जवाब बोल आपने अभी तक क्या बोला अरे चुप करो जालीदार टोपी पहनने वाले नकली मुसलमान जवाब नहीं आपके पास कुरान की तुम्हें एक आयत नहीं पता है और यहाँ पे आके जालीदार टोपी पहन के बताते हो कि छेद कितने तुम्हारा दिमाग है बेवकूफी छन के निकलती है जालीदार की बातें कर रहे हो नवरात्रों के बारे में गलत बोलते हो भगवान राम काल्पनिक क्यों बोल जाते हो सोनिया गांधी और राहुल गांधी क्यों बोलते हैं भगवान राम काल्पनिक है सोनिया गांधी से कभी किसी ने प्रूफ मांगा कहां पैदा हुई थी पूछा हमने हिम्मत है बोलने के लिए दूसरे धर्मों के भगवान के लिए काल्पनिक है
बेकार की बात करते हैं। नहीं एक 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 के विषय नहीं है शब्द ना सोनिया गांधी ने ऐसा बोला ना सोनिया गांधी ने पूछा ना सोनिया गांधी ने प्रूफ मांगा था आप गलत बयानी कर रहे हैं मिस्टर भाटिया। आप सोनिया जी पर कोई बात नहीं कहेंगे मिस्टर भाटिया। ध्यान रखिए छोड़िए कोई सोनिया गांधी यहाँ की कोई रानी नहीं है छोड़िए। अरे छोड़िए उनकी पार्टी ने हलफनामा किया था क्या किया उन्होंने बताइए भाटिया गलत बात। और मैं तो आज एक बात कहूंगा गलत बयानी मत करिए बाहुल इलाकों को बिजली दो बिल्कुल सही बात है लेकिन हिंदू बाहुल इलाकों को भी मिले के शो में झूठ मत बोलिए सिखों को भी मिले। आप झूठों में देखिए मैं सीज फायर कर रहा हूं आप लोगों की एक सेकंड के लिए लेकिन 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 शिवम त्यागी एनओसी लेना चाहिए। अगर हिंदुओं को अपने नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाल ली है तो मुस्लिम मोहल्लों से एनओसी लेना चाहिए। इसकी प्रक्रिया हो सकता है देश में जल्दी शुरू हो जाए एक दो राज्य ऐसा कर दे। अभी तो हमने दिल्ली में देखा दिल्ली के अंदर जल बोर्ड ने भी छुट्टियां वगैरह दे दी है। नमाज पढ़वा दो ना बस इतना ही बाकी रह गया और दो चार पांच साल अगर सरकार आ जाती कांग्रेस की तो यही करता है इस देश का हिंदू। करवा दीजिए ना मैं चला जाता हूं उठ के अभी चला जाता हूं नमाज पढ़ने। और कह रहे हैं देखिए सोनिया गांधी के बारे में मत बोलिए मतलब वो कौन है क्वीन विक्टोरिया है क्या वो उनके बारे में गौरव जी बात नहीं कर सकते कोई बात नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते भाई जो काम उन्होंने किया क्यों नहीं करेंगे। अरे कमाल की बात चुप रहिए मीट मैन चुप रहिए बीच में चिल्लाइए मत इतना। अरे नहीं इनका नाम मुकेश शर्मा है आप मीट मैन बोले जा रहे हैं मुकेश शर्मा नाम है इनका मीट मैन बार बार बोले जा रहे हैं। ये मुकेश शर्मा प्रैक्टिसिंग हिंदू है लेकिन आज का निष्कर्ष ये क्या अब एनओसी की आवश्यकता है हिंदू नववर्ष पे शोभा यात्रा निकालने के लिए मुस्लिम मोहल्लों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि हम शोभा यात्रा निकालना चाहते हैं हिंदू शोभा यात्रा निकालना चाह रहे हैं तो सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए क्या ये बात है। कौन कहता है तुष्टीकरण कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान तो उसका जवाब है ये चिट्ठी कि चिट्ठी उसका जवाब है दूसरी चिट्ठी एक और जवाब है। फिलहाल इतना ही देखते रहिए न्यूज 18 नमस्कार।